नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। बहुत स्वागत है आपका हमारी स्पेशल रिपोर्ट में। यमुना प्राधिकरण के सेक्टर 21 में फिल्म सिटी बसाने की तैयारी है। फिल्म सिटी की अब तक की रिपोर्ट जांचने के लिए फिल्म बंधु की टीम यमुना प्राधिकरण पहुंची। इस दौरान उत्तर प्रदेश फिल्म विकास परिषद के अध्यक्ष राजू श्रीवास्तव ने यमुना प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ बैठक की। देखिए ये खास रिपोर्ट। यमुना अथॉरिटी फिल्म सिटी दुनिया में सबसे शानदार होगी। इस प्रोजेक्ट और कॉन्सेप्ट पर मंथन करने के लिए यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण में फिल्म बंधु की बैठक हुई। बैठक में उत्तर प्रदेश फिल्म निर्माण परिषद के अध्यक्ष राजू श्रीवास्तव भी शामिल हुए। बैठक के दौरान राजू श्रीवास्तव ने क्या कुछ कहा, सुनिए। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है फिल्म सिटी स्टूडियो। बहुत तो फिल्म सिटी के नाम से ऐसा लगता है कोई शहर बसा रहे हैं। तो फिल्म सिटी स्टूडियो और बनना है, और आप सबको पता है जो चीज़ हमारे मुख्यमंत्री जी ठान लेते हैं वो अवश्य पूरा होता है, और समय से पहले पूरा करने की हम लोग आपके सामने वादा कर रहे हैं, गारंटी ले रहे हैं। और इसी सिलसिले में मैं पिछले हफ्ते मुख्यमंत्री जी को मिला, तो मुख्यमंत्री जी इसकी अपडेट जानना चाहते हैं, इसकी प्रोग्रेस जानना चाहते हैं, पूरी उनकी इस पे नज़र है। और इसी कड़ी में मैं यहाँ पहुँचा हूँ, क्योंकि सबको पता है कि ये विश्व स्तरीय फिल्म सिटी बननी है, तभी शायद हम बम्बई के कलाकारों को और दूसरे कलाकारों को यहाँ पर हम आकर्षित कर पाएंगे। नहीं तो उनके पास तो और ऑप्शन है। फिल्म सिटी तो हैदराबाद में भी है, चेन्नई में भी है और मुंबई में भी है, तो इसे एक तो विश्व स्तरीय बनाना है। और इसी सिलसिले में इंटरनेशनल विशेषज्ञों से भी राय ली जा रही है। तो मुझे अभी जानकारी दी हमारे अरुणवीर साहब ने कि 20 तारीख के आसपास ये रिपोर्ट ये कंपनी दे देगी, जिससे पता चल जाएगा कि अंदर फिल्म सिटी के अंदर क्या क्या सुविधाएँ वो देने वाले हैं, और उसके आधार पर हमें अंदाजा हो जाएगा कि इसका बजट कितना होना चाहिए। इतना ही नहीं, हमेशा की तरह हर किसी का मजाक बनाकर सबको हंसाने वाले राजू श्रीवास्तव ने मुलायम सिंह के अंदाज में लोगों का मन मोह लिया। मुलायम सिंह जी से लॉकडाउन के बारे में पूछा तो एकदम से भड़क गए, कहने लगे आप लोग लॉकडाउन परेशान हो गए, लॉकडाउन आपसे बर्दाश्त नहीं हुआ, लॉकडाउन से फायदा भी हुआ है, ये लॉकडाउन वैसे सब लोग परिवार बैठ के खाना खा रहे, एक साथ बैठ रहे, परिवार वालों को समय दे रहे, ये लॉकडाउन हम सुपार अखिलेश सब बैठ के रोज खाना खाए सास में, तो ये लॉकडाउन से पता चला कि अखिलेश भी अच्छा लड़का है। करीब 2 महीने पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुंबई गए थे। वहां पर योगी ने ग्रेटर नोएडा में यमुना सिटी को लेकर फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार के साथ मुलाकात की थी। मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री ने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर लिखा था, मुंबई में भारतीय फिल्म जगत के लोकप्रिय अभिनेता अक्षय कुमार जी के शिष्टाचार भेंट हुई, कई पहलुओं के संबंध में उनसे सार्थक विमर्श हुआ, अपने कार्य के प्रति उनकी समझ, लगन, रचनाधर्मिता युवाओं के लिए प्रेरणास्पद है। दरअसल यमुना प्राधिकरण के सेक्टर 21 में फिल्म सिटी बनाने की तैयारी है, जहां 1000 एकड़ में फिल्म सिटी बनाई जाएगी। इसमें 780 एकड़ जमीन औद्योगिक उपयोग की और 220 एकड़ जमीन व्यावसायिक उपयोग के लिए है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस प्रोजेक्ट को लेकर संजीदा हैं और खुद इसकी निगरानी कर रहे हैं। फिल्म सिटी की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने की जिम्मेदारी शासन की ओर से यमुना प्राधिकरण को दी गई है। और स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें।